दोस्तों, क्या है अघोरी वशीकरण मंत्र, आइए देखते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अघोरी वशीकरण मंत्र के बारे में। साधना की विभिन्न शाखाओं में अघोरी साधना एक कठिन, विचित्र और चमत्कारिक प्रभाव डालने वाली शक्तिशाली शाखा है। कहा जाता है कि भगवान शिव के जो साधक होते हैं उससे संबंधित शाखा के लोगों को अघोरी कहा जाता है। इन्हें शिव के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का एक जीवित प्रतिबिंब है अघोरी। ऐसा कहा गया है कि अघोरी रूप शिवजी के 5 विभिन्न रूपों में एक है। शिवजी की शक्ति की तरह अघोरी की साधना भी बहुत प्रभावशाली है। अघोरी वशीकरण मंत्र, जिसके प्रयोग से आप अपने चाहने वाले को वशीभूत कर सकते हैं, इस प्रकार है। ये मंत्र प्रारंभ करने से पहले आप शमशान की भभूत, नया मटका, अगर काले रंग की मिट्टी से बना हो तो सबसे अच्छा है, लौंग, काली मिर्च के कुछ दाने, काली स्याही, काला कपड़ा, कपूर की टिकिया, सफेद रंग का कागज, तेल, दीपक, हकीक या रुद्राक्ष की माला, काले रंग का आसन, ये सब इकट्ठा कर लें। अब किसी भी अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में आसन बिछाकर बैठ जाएं। मटके में भभूति डालकर उसके ऊपर कपूर की टिकिया रखें और इस मंत्र का जाप 21 बार करें। जाप के बाद मटके के ऊपर लौंग और काली मिर्च डाल दें। उसके बाद वशीभूत करने वाले व्यक्ति का नाम सफेद कागज पर काली स्याही से लिखें। इसे भी मटके में रख दें। अब कपड़े से मटके का मुंह अच्छी तरह बंद कर दें। मटके के बगल में दीपक जलाकर इस मंत्र को 11 बार पढ़ें। जाप समाप्ति के बाद शमशान में जाएं और एक गड्ढा खोदकर मटके को उसके अंदर दबाकर वापस घर लौट आएं। आते समय पीछे मुड़कर ना देखें और घर आने के बाद स्नान कर लें। जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वो मंत्र है, ओम नमो आदेश भैरवाय, काली के पुत आवे आवे चिंते चिताए, कार्य सिद्ध कराए दुहाई काली माई की। इस तरह से आप अघोरी वशीकरण साधना को पूरा कर सकते हैं और आपकी मनचाही मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं।